हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को संख्याओं का भाग सिखाएंगे कि आप किसी भी संख्या का भाग कैसे देंगे। कितने फ्रेंड्स तो होते हैं भाग देना जानते हैं, लेकिन भाग देते समय छोटे छोटे मिस्टेक कर जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप किसी भी संख्या का भाग देते समय उसमें किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, इसीलिए आपके सामने हम तीन क्वेश्चन लिए हैं। ये तीन क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और जो आप गलतियां करते हैं इन सभी क्वेश्चन को देखने के बाद आप उसमें जो गलतियां होती है आपसे, वो गलतियां आज के बाद आप कभी नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको बताते हैं कि आप जब भाग देते हैं तो उसमें क्या गलती आपसे होती है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8 का भाग जिसे देना है 8121 में। देखिए, आपसे गलती क्या होती है पहले उसको बताते हैं। देखिए, जब आप भाग देते हैं तो कैसे देते हैं, 8 का भाग जब 8 में देंगे तो 8 की एम 8 होगा, ठीक है। 8 बार ले जाते हैं, 8 में से 8 गया 0, यानी कि यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 उतारेंगे। यदि इसमें भाग नहीं जाती है तो आप क्या करते हैं, अगली संख्या यहाँ पर उतार लेते हैं। अब अगली संख्या तो आप उतारते हैं और यहाँ पे भाग भी देते हैं। देखिए, 8 का भाग देंगे 12 में, 8 की 8 होगा, ठीक है। तो 12 में से 8 घटा के 4 लिख देते हैं, फिर अगली संख्या यहाँ पे उतारते हैं, फिर 8 का भाग देंगे 8 पचे 40 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शेष बच जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे कहते हैं कि मेरा क्वेश्चन करेक्ट है, जो कि ये आपका मेथड गलत है। देखिए, आपका मेथड जो गलत है, यहाँ पे क्या आप गलती करते हैं उसी को आपको इसमें सीखना है, ठीक है। चलिए, आपको भाग दे के बताते हैं। ये तो आपकी गलती है कि एक गलती क्वेश्चन है, आप गलती क्या करते हैं इसमें आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, 8 का भाग जैसे आपको देना है 8121 में, ठीक देना है। देखिए, आपको पता होगा कि इसका जब यहाँ पे भाग देते हैं तो यहाँ पे 8 के एम 8 एक बार तो जाता है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए फ्रेंड्स, तीन क्वेश्चन लिए, तीनों अलग अलग प्रकार से हैं। देखिए, 8 में से 8 जाएगा 0 होगा, यानी कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे घटाते हैं, 8 में से 8 गया 0, यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अगली संख्या यहाँ उतारते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि 8 का जब 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं कि यहाँ से अगली संख्या उतारते। देखिए, गलती यहीं पे होती है, जब अगली संख्या यहाँ पे तो उतारेंगे, लेकिन जब अगली संख्या यहाँ पे उतारते हैं तो इसके साथ में जब अगली संख्या उतारते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ा के उतारते हैं। यहीं पे आपसे गलती होती है कि आप यहाँ पे संख्या उतार लेते हैं, भाग दे देते हैं, लेकिन जब अगली संख्या उतारते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। यही आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि भाग दीजिए, देखिए अब 8 का भाग देंगे 8 के 8 होगा, ठीक। अब 12 में से 8 घटाएंगे, 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4 होगा। अब देखिए, जब से 2 उतारे, अब अगली संख्या यहाँ से उतारते हैं। देखिए, यहाँ पर उतारी आपका 41 हुआ। 8 का भाग देते हैं 41 में, तो 8 चौक को 32, 8 पचे 40, यानी कितने बार गया, 5 बार गया, ठीक। तो 8 पचे 40, अब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 4 में से 4 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। देखिए फ्रेंड्स, आपसे जो मिस्टेक होता है उस चीज़ को इसमें बता रहे हैं आपको। आप तो क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जो मिस्टेक है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए, जो यहाँ पे आता है, ठीक है, 1015 जो आया है, इसको लिखते हैं क्या, भागफल। ये भागफल होता है, ठीक है, 1015 आपका भागफल हो गया। देखिए, 1015 आपका भागफल, यानी कि जो यहाँ पे आता है वो भागफल होता है। यहाँ इसके नीचे लिखते हैं शेषफल, यानी कि शेषफल कितना बचा, यानी कि यहाँ घटाने के बाद जो लास्ट में बचता है वही शेषफल होता है। यहाँ पे शेषफल हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या मिस्टेक करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5 का भाग देना है 254 में, आप इसका भाग दीजिए। देखिए, आप क्या करते हैं कि 5 का भाग 2 में देखेंगे, इसका तुलना करेंगे तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं। जब यहाँ पे भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या लेते हैं, यानी 25 हो गया। तो 5 के भाग जब 25 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 25 यानी 5 बार गया। यहाँ 25 उतारते हैं आप, 5 में से 5 गया 0,
दो में से दो गया जीरो, जहाँ जीरो आता है वहाँ कैंसिल आउट कर देता है और अगली संख्या उतारते हैं। देखिए आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं कि आप यहीं पे छोड़ देंगे उसको, कह देंगे मेरा करेक्ट हो गया, जो कि यहीं पे मिस्टेक करते हैं। देखिए आप क्या करते हैं कि पाँच का भाग चार में नहीं जाएगा, जब पाँच का भाग चार में नहीं जाता है तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा के ये छोड़ते हैं, तब जाके आपका आंसर करेक्ट होता है। तब यहाँ पर जो आता है वो भागफल होता है, यहाँ पर जो आता है शेषफल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल। देखिए यही छोटी छोटी मिस्टेक फ्रेंड्स आपसे होता है, यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपका आज के बाद कभी भी भाग देने में कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। आपका शेषफल बचा, अब ये शेषफल हो गया, शेषफल कितना हुआ फ्रेंड्स, शेषफल हो गया आपका चार। देखिए यहाँ पे शेषफल लिखना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा लिखने में, शेषफल, शेषफल कितना हो गया चार हो गया, ठीक है ये इस तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं उसको भी बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है फ्रेंड्स, यदि आप इसको अच्छे प्रकार से सीख जाते हैं तो आप कभी गलती नहीं कर सकते हैं। देखिए 8203 में भाग देना है, अब इसमें भाग देना है, आप किस तरीके से भाग देंगे, देखिए चार का भाग आठ में देंगे तो चार का भाग जब आठ में देते हैं तो यहाँ पे भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है दो बार में, चार दुना के आठ, यहाँ चार दुना के आठ उतारेंगे, आठ में से आठ घटाते हैं तो आठ में से आठ जाएगा जीरो, अर्थात यहाँ पर जीरो आता है कैंसिल आउट कर देते हैं, दो उतारेंगे, देखिए जब दो उतारते हैं तो भाग जाएगा इसमें नहीं, यहाँ पे भाग नहीं जाता है, जब भाग नहीं जाता तो क्या अभी बताएं, जब यहाँ पे अगली संख्या उतारना, एक एक्स्ट्रा अगली संख्या उतारना होता है तो यहाँ पे जीरो बढ़ा के तब अगली संख्या यहाँ पर उतारते हैं, अगली संख्या उतार ली इसमें भाग दी चार पाँचे बीस, चार पाँच क्या हो गया बीस, जीरो में से जीरो जाएगा कैंसिल आउट, दो में से दो गया कैंसिल आउट, अब अगली संख्या उतारते हैं, यहाँ तीन बच रहा है यहाँ तीन उतारिए, अब देखिए चार का भाग तीन में जाएगा तो चार का जब भाग देंगे तीन में तो भाग नहीं जाता है, जब भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं, अभी आप ऊपर बताए हैं जब यहाँ पर भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा के इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर छोड़ने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपका भागफल कितना हुआ है, यहाँ पर लिखिए भागफल, यहाँ पे भागफल आपका हो गया 2050 और शेषफल कितना हो गया, यही सब लिखना होता है, इतने छोटे छोटे जो मिस्टेक होते हैं फ्रेंड्स इसी को आपको सुधारना होता है, यहाँ पे जो ये अब बच रहा है यहाँ पे शेषफल हो गया। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी संख्या का भाग देते हैं तो आप कभी भी भाग में मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, तो इसी को आपको सुधारना है, यही चीज़ आपको हमको बताना था। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।